जो आपको दिख रहा है ना L2 लिखा हुआ, L2 का मतलब है लेक्चर नंबर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये जो लाइनें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का पूरा टॉपिक का जो एल्गोरिथम है वो ये है। देखना क्या है, एल्गोरिथम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर एक, द डिस्टेंस विल बी टेकन फ्रॉम द गिवन लाइन टू द बॉडी ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस लाइन से या उस पॉइंट से दूरी लेंगे एलिमेंट्री बॉडी की। जैसे ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मान लिया जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बॉडी यहाँ है, ओके, और आप कहना चाह रहे हो कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये लाइन मेरी ए बी है, तो दूरी जो होगी बेटा आप वो ये लोगे। फार्मूला होता है एम आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आर स्क्वायर इंटू एम। ये जो दूरी है आर आप ये लेकर के चलोगे, पहली बात तो ये क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सपोज दैट सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बॉडी यहाँ रखी हुई है और आपको निकलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स। ओ एक्स इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो जो बॉडी यहाँ रखी हुई है उससे जिस लाइन के रिस्पेक्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर निकालना चाहते हो दूरी ये होगी। दिस इज द पॉइंट। मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन अब की बार ये है कि सपोज दैट मेरी बॉडी यहाँ रखी हुई है, ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ से दूरी ये होगी। क्लियर, समझ आती है बात। आगे देखता हूँ, सपोज दैट आपके पास जो है एक बॉडी ऐसे ऐसे है और बॉडी जो है यहाँ रखने के बाद सपोज दैट आपके पास अब की बार जो लाइन है वो ये है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये लाइन आपकी ए बी है, तो दूरी इस लाइन से इस बॉडी की ये वाली दूरी ट्रीट होगी आर ये होगी। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, अगर ये क्लियर नहीं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर नहीं हो सकता, ओके। जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास गोला है, ये गोला है, गोला मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ओके, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, जैसे मान लिया एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली दूरी ली जाएगी। वाई एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो दूरी यहाँ से यहाँ तक ये वाली होगी। वाई अगर मान लिया इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो दूरी यहाँ से यहाँ तक ये होगी। क्लियर, ओके, अगर मान लिया जाए आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली दूरी। दिस इज द पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक तो ये है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपके पास वन डायमेंशन बॉडी है, वन डायमेंशन बॉडी का मतलब निकलता है कि जैसे आपके पास जो है, पहली बात तो ये है कि वन डायमेंशनल बॉडी नहीं होती है जिसकी सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई बहुत कम है, ओके। वन डायमेंशन बॉडी के मैं आपको एक एग्जांपल, मेरे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किताब में देख करके आपको बताता हूँ वन डायमेंशन बॉडी का जो एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। रुको अभी आप, जैसे आप जो है किसी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो वन डायमेंशन के अंदर, जैसे रोड, जैसे वायर, अगर सीधा है स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूँ, अगर वन डायमेंशन बॉडी है आप सिंगल इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, यानी कौन से इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, बस इस इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। अगर आपके पास टू डायमेंशन बॉडी है, टू डायमेंशन बॉडी का मतलब जैसे लंबाई भी है चौड़ाई भी है, आप ये ले लो रेक्टेंगल ले लो आप, स्क्वायर ले लो आप, आयत ले लो आप, या आप ये जो है ये ले लो, वो एक अलग बात है, डी आर डी थीटा हो जाएगा, डजेंट मैटर, आप सर्कल ले लो, ओके, ये टू डी बॉडी है, ये टू डी बॉडी है। टू डायमेंशन बॉडी के लिए आप डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे, यानी आप इसका यूज़ करोगे डी एक्स डी वाई। अगर पोलर कोऑर्डिनेट है डी आर डी थीटा का यूज़ करोगे डबल इंटीग्रेशन में। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास तीन डायमेंशन बॉडी है, थ्री डी बॉडी है, तब आप ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर थ्री डी बॉडी कौन सी होगी, आपके पास पैरेलल पाइप आ जाए या आपके पास क्यूब आ जाए, आपके पास जो है इस तरह की बहुत सारी बॉडीज आ जाए, ये थ्री डी बॉडी है, ओके। अगर इस तरह की बॉडीज़ हैं आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, आपकी बॉडी वन डायमेंशन है, आपकी बॉडी टू डायमेंशनल है, आपकी बॉडी थ्री डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल है सिंगल इंटीग्रेशन, टू डायमेंशनल है डबल इंटीग्रेशन, थ्री डायमेंशनल है ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि
किस लाइन के रेस्पेक्ट में, दिस इज द पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, किस लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ और बॉडी कहाँ है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, एक्स एक्सिस मेरा ये है, वाई एक्सिस ये है, अगर मैं ओ एक्स के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो दूरी ये हो जाएगी, ओ वाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो दूरी ये हो जाएगी, अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो दूरी ये हो जाएगी। देखो ये ऐसे, अगर ये ओ है, ओ एक्स के रेस्पेक्ट में दूरी ये, ओ वाई के रेस्पेक्ट में दूरी ये वाली चलेगी, अगर ये पॉइंट पी अगर हो, ओ पी के रेस्पेक्ट में दूरी ओ पी चलेगी। ओके, आपको पता लग चुका 3D बॉडी है ट्रिपल इंटीग्रेशन, 2D बॉडी है डबल इंटीग्रेशन, सिंगल बॉडी है सिंगल इंटीग्रेशन। सिंगल बॉडी का मतलब 1D बॉडी है, 2D बॉडी डबल इंटीग्रेशन, 3D बॉडी है ट्रिपल इंटीग्रेशन, dx dy dz ओके, या rd थीटा dr d थीटा d फाई जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ओके, मेन पॉइंट ये है कि दूरी जो आपको दिया हुआ है कि इस लाइन के अबाउट निकाल लिए, वहाँ से बॉडी की दूरी निकालना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बॉडी 1D है, 2D है या 3D है। अगर ये दो पॉइंट का आप ध्यान रखोगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्यों ना हो, सेकेंडों में बाहर, जैसे मैंने आपको वर्चुअल वर्क के अंदर बहुत अच्छा एल्गोरिथम बताया था बेटा आपको ये करना है, फोर्स इन 3D के अंदर मैंने आपको ये बताया था बेटा आपको ये करना है, स्टेबल अनस्टेबल के अंदर भी मैंने आपको बताया था, एक एल्गोरिथम दिया था बेटा आपको यही करना है। ओके, आप फंसोगे नहीं बेटा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो यार, DSB लेवल का क्वेश्चन भी हो, DSB लेवल वो लेवल होता है बेटा जहाँ दुनिया के साइंटिस्ट जो PhD होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं ना ओवरऑल वर्ल्ड के, उनका जो एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे जो इंटरनेशनल है जैसे नासा वगैरह हुआ या फिर हमारा इंडिया का इसरो वगैरह हुआ या फिर हमारा जो है ये जो होता है DRDO वगैरह हुआ, वहाँ जो साइंटिस्ट बनते हैं उससे हार्ड एग्ज़ाम कोई नहीं होता है। अगर उस लेवल का भी एग्ज़ाम हुआ ना, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि भाई दूरी जो है ना जिस लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जहाँ बॉडी है उन दोनों के बीच की दूरी देखनी है। ओके, दूसरी बात आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा 1D बॉडी है, 2D बॉडी है या 3D बॉडी है, ये दो पॉइंट है। अगर आपके दोनों के दोनों समझ में आते हैं, आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वेक्टर कैलकुलस है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 11th क्लास का जो है ना जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, उससे भी आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, आप बार बार फंसते चले जाओगे। ओके, मेरे को क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को लगा कि मेरे को एल्गोरिथम बता देना चाहिए बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ बेटा, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना जो प्रोफेसर्स वगैरह जो लेक्चरर वगैरह होते हैं ना ऐसी चीज़ें नहीं बताते यार, बहुत कम लोग इस तरह की बातें बताते हैं यार, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरह की बात हम लोगों ने बता दी ना तो मार्केट में जो है ना एक कंप्यूटर सीधा खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं, अगर उनको फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्कुल डीप कंसेप्ट के यहाँ से ऐसे होता है अगर वो चीज़ें बता दी गई ना, तो जाहिर सी बात है यार वो आपका कल को कंप्यूटर बनेगा, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, आप समझे उस चीज़ को। ओके, चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात और भी है बेटा, मैं जो लेक्चर आपको देता हूँ मेरे वर्ड्स का ध्यान रखा करो, हालांकि कई बार बोलने में और लिखने में मेरे से गलती होती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और ध्यान रखा करो, बड़े कीमती कीमती वर्ड्स बोलता हूँ बेटा। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय। और एक बात और भी, जिन लोगों को ये बदगुमानी है कि सर ये लेक्चर फ्री कर देंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मैं मेहनत करता हूँ रात दिन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए मेरे को कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, उसका कंसेप्ट बनाने में, उसको बच्चों को समझाने में आसान किस तरीके से हो सकता है, कम से कम 5-7 किताबों से जो है ना एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक देखता हूँ जब जाकर के तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शांत पब्लिकेशन अलग है, कृष्णा पब्लिकेशन अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन अलग है, सोम सीरीज अलग है, ऐसे लोनी अलग है, और उसके अलावा 2-4 जो MD रायसिंघानिया की बुक अलग है, कम से कम 5-7 किताब के अंदर जो सबसे बेहतरीन कंसेप्ट होता है ना उसको उठा करके लाता हूँ, उससे पढ़ाता हूँ यार, ऐसा नहीं है भाई। जाहिर सी बात है मेरा क्लियर होगा तो तुम्हारा तभी तो क्लियर होगा ना, अगर कोई चीज़ मेरी क्लियर नहीं है तो तुम्हें कैसे क्लियर करा दूंगा मैं। ओके, फिर कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मेरे चैनल के ऊपर आओ या ना आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।